ऑल ऑनलाइन वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑल क्लासेस इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आगे आज पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश, अंग्रेजी के जो पार्ट्स होते हैं वाक्यों के उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला आता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। मुख्य तौर पर वाक्य के तीन भाग होते हैं, कर्ता यानी होता है सब्जेक्ट, क्रिया क्या होता है वर्ब, और कर्म यानी ऑब्जेक्ट, जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला आता है इसमें फर्स्ट कर्ता या सब्जेक्ट। कर्ता किसी भी वाक्य का मुख्य भाग है, क्योंकि इससे पहले वाक्य में पता चलता है कि कर्ता संज्ञा है या सर्वनाम, पुरुष है या फिर कोई महिला। इससे हमें वाक्य में कर्ता की स्थिति का ज्ञान होता है। आइए इस उदाहरण द्वारा समझे। मैं सेब खाता हूँ, इसका मतलब आई ईट एप्पल। यहाँ पर वाक्य क्या है, मैं, जिसमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर करता है। सेकंड, रानी स्कूल जा रही है, रानी इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर वाक्य है जिसमें रानी करता है, जो एक क्या है संज्ञा है, नाम जो है उसको संज्ञा कहते हैं। वह घर पर है, ही इज एट होम। यहाँ पर वाक्य है जिसमें वह करता है यानी सब्जेक्ट है, जो एक क्या है सर्वनाम है, जो किसी चीज की विशेषता बताता है। हम कल स्कूल जाएंगे, वी विल गो टू स्कूल। यहाँ पर वाक्य है जिसे हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल करता है, तुम यहाँ से जाओ, यू गो फ्रॉम हियर। यहाँ पर वाक्य है जिसमें तुम सेकंड पर्सन प्लूरल करता है। सेकंड आता है क्रिया। क्रिया का मतलब होता है वर्ब, कर्ता के द्वारा काम या कार्य को भी क्रिया कहते हैं। अर्थात कर्ता किसी भी कार्य, जो भी काम करता है वह क्रिया है, जैसे सोना, उठना, रोना, आना जाना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, इनमें कोई भी वाक्य क्रिया के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। आइए उदाहरण द्वारा समझिए। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, इस वाक्य में सब्जेक्ट मैं हूँ, वर्ब जाना है। लेकिन वाक्य में ध्यान देने की बात है कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य, इसलिए हमें वर्ब जाने का काम कर रहा है, वो ही इस वाक्य का क्रिया है। वह कार है दूसरा उदाहरण, दैट इज ए कार। टाइप्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब जो क्रिया है इसके जो है बहुत सारे टाइप होते हैं। पहला आता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया कर्ता में किए कार्य की व्याख्या करता है और हमें बताता है कर्ता ने वाक्य में क्या किया। मुख्य क्रिया जैसे कि सोना, उठना, आना जाना मुख्य क्रिया है। आइए उदाहरण द्वारा समझे। मैं अभी टीवी देख रहा, मतलब मुख्य काम कर रहा है वो, तो आई एम वॉचिंग टीवी राइट नाउ। सुहाना सेब खा चुकी है, सुहाना है ईटन एप्पल, मतलब वो पास्ट में चला गया, खा चुकी थी पास्ट में गया, ठीक है, तो सेकंड फॉर्म होता है वर्ब का, ठीक। वह सिनेमा जाता है, he goes to the cinema। सेकंड सहायक क्रिया, helping and auxiliary verbs। सहायक क्रिया कर्ता की अवस्था स्टेट के बारे में हमें जानकारी देता है। सहायक क्रिया को हमेशा मुख्य क्रिया के पहले प्रयोग किया जाता है। सहायक क्रिया का प्रयोग करते समय ध्यान रखा जाता है कि कर्ता सिंगुलर है या प्लूरल, और टेंस कौन से समय प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर को बता रहा है। सहायक क्रिया को टेंस के हिसाब से प्रयोग में लाया जाता है, जैसे प्रेजेंट में इज, एम, आर, हैव, हैज, डू, डज, और पास्ट में वाज, वेयर, हैड, डिड और फ्यूचर में विल आदि होते हैं। आइए इसको उदाहरण द्वारा समझे। मैं इसे खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, ठीक। तुम स्कूल क्यों जाते हो, व्हाई डू यू गो टू स्कूल। सोनम बाजार जा रही थी, बॉस, तो सोनम वॉज गोइंग टू द मार्केट। सेकेंड कर्म, तीसरा कर्म आता है, ऑब्जेक्ट होता है, कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का फल जिस पर पड़ता है कर्म ऑब्जेक्ट कहलाता है। आइए उदाहरण द्वारा समझे। मेरे पास पेन, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ पेन, आई हैव अ पेन। मेरे पास कुछ पैसे हैं, आई हैव सम मनी। आपका कार अच्छा है, आपको इंग्लिश ग्रामर में जो भी तीन चीजें समझाई गई हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, कर्ता, कर्म, इसके उदाहरण अच्छे से आपने समझे होंगे और पढ़े होंगे। आपको इसको प्रैक्टिस करनी है और पांच पांच वाक्य आपको अलग अलग क्रिया का बनाना, कर्म का और ऑब्जेक्ट का बनाना। थैंक यू सो मच।